दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब के जादुई दो बर्थडे केक की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। किसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी। मीरा के पिता किसान थे। मीरा के पिता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे, लेकिन तब भी मीरा के पिता मीरा की सारी ख्वाहिश को पूरा करते थे। उसी गांव में स्वीटी नाम की एक लड़की रहती थी। स्वीटी गांव के सेठ बंसीलाल की बेटी थी। स्वीटी और मीरा में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। मीरा जब भी अपने दोस्त स्वीटी के पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े और अच्छा मेकअप का सामान देखती थी, तो वो घर आकर अपने पापा से उस चीज की मांग करती थी। पापा, आज स्वीटी के पापा स्वीटी के लिए बहुत ही अच्छा सा गाउन लेकर आए हैं। और पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, तो आप भी मुझे एक अच्छा सा गाउन दिलवा दो ना। बस इतनी सी बात, मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक अच्छा सा गाउन खरीद कर ले आऊंगा। सच में आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं अभी ये बात स्वीटी को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर मीरा घर से चली जाती है। मीरा के घर से जाने के बाद मीरा की माँ मीरा के पिता से कहती है, आपने इसे आजकल कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा कर रखा है। स्वीटी तो बहुत बड़े सेठ की लड़की है, हम चाहकर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है अब ये बात हमारी बेटी को भी समझनी चाहिए, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। अरे भाग्यवान, फिकर मत करो, मीरा अभी बच्ची है, वक्त आने पर वो सब कुछ समझ जाएगी, और अभी से ही हम उसकी खुशियाँ क्यों छीने। फिर अगले दिन, अरे सुनती हो, जरा वो 500 रुपए देना जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। वो मैं बाजार जा रहा हूँ मीरा के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है, यहाँ घर में खाने को खाना नहीं है, लेकिन इनको उसके शौक पूरे करना ज्यादा जरूरी है। तो क्या हुआ, एक ही तो संतान है हमारी, पैसे का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अब मुझे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। उसके बाद मीरा के पिता घर से चले जाते हैं, और शाम होने पर मीरा के पिता मीरा के लिए एक बहुत अच्छा सा गाउन लेकर आ जाते हैं। मीरा गाउन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, और वो फौरन ही गाउन पहनकर स्वीटी के घर पर चली जाती है। स्वीटी, मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, लेकिन मेरे गाउन से अच्छा नहीं है। मेरा गाउन सुपर मार्केट का है, वो भी पूरे 20,000 रुपए का। और हाँ, आज तो मेरे पापा ने मुझे साइकिल भी दिलवाई है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे वाह स्वीटी, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है, एक बार मुझे भी चलाने दो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है, अगर तुझे भी चलानी है तो तू अपने पापा से मांग ले। इतना बोलकर स्वीटी अपनी साइकिल चलाने लगती है। मीरा स्वीटी को दूर से ही देख रही थी। मीरा जब घर आती है और उदास मन से एक कोने में जाकर बैठ जाती है, तभी उसके पापा उससे आकर कहते हैं, क्या हुआ मीरा बेटी, उदास क्यों बैठी हो, गाउन पसंद नहीं आया क्या? पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए, क्या आप मुझे एक साइकिल दिलवा दोगे? मीरा के इतना कहते ही मीरा की माँ बहुत भड़क जाती है, और मीरा से गुस्से में आकर कहती है, बस अब बहुत हुआ, अब तुझे घर बेचकर साइकिल तो दिलवाएंगे नहीं हम। अरे भाग्यवान, भड़को मत। मैंने बहुत सह लिया, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। स्वीटी एक बहुत बड़े सेठ की बेटी है, हम उनकी तरह अमीर नहीं है, और तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे पापा किसान हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, किसी को देखकर लालच नहीं किया जाता, हमेशा जितना है
उतने में ही खुश रहा करो। मीरा अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास होकर बैठ जाती है और दूर से ही श्रीति को साइकिल चलाते हुए देख रही होती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाती हैं। श्रीति मीरा से थोड़े ही दिन बड़ी थी। श्रीति के दो दिन बाद ही मीरा का बर्थडे आता था। श्रीति के माता पिता श्रीति का जन्मदिन बहुत प्यार से मनाते थे। इस बार भी श्रीति के माता पिता ने श्रीति के बर्थडे का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। मीरा जब श्रीति के घर पर गई, तो उसने देखा कि श्रीति के डैडी ने उसको बहुत बड़ा केक लाकर दिया है। मीरा उस केक को एक तक निहारती जा रही थी। अरे क्या हुआ, तो इतनी हैरानी से इस केक को क्यों देख रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तेरा केक बहुत अच्छा लग रहा है। होगा क्यों नहीं, मेरे पापा ने लाकर दिया है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को भी नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद सारा केक मैं खुद ही खाऊंगी। लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तेरा भी केक खाने का बहुत मन है। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा केक तुझे भी दे दूंगी। आखिर तूने इतना बड़ा और इतना महंगा केक कभी भी नहीं खाया होगा। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद मीरा अपने घर पर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ दो दिन के बाद मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी एक अच्छा सा केक चाहिए। अब आप मना मत कर देना, क्योंकि अब मैं आपसे किसी भी चीज़ की जिद नहीं करती हूँ, तो इस बार आपको मेरी बात माननी ही होगी। बेटी इस बार घर की हालत कुछ ठीक नहीं है, मैं घर में तुम्हारे लिए हलवे का केक बना दूंगी, तुम उसी को काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी मैं। आप कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर मीरा एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वहीं से एक परी गुजर रही थी। वो परी मीरा को रोता हुआ देखकर मीरा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटी तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी जी, मेरी सहेली के पिता ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया है, लेकिन मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं मंगा रही है। वो कह रही है कि मैं हलवे को केक बनाकर काट लूं और उसी से अपना जन्मदिन मना लूं। हलवे के केक से भला कोई जन्मदिन मनाता है क्या? कोई बात नहीं बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू की मदद से दो सुंदर सुंदर केक प्रकट करती है और उससे कहती है, मीरा ये पहला वाला केक तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। परी जी दूसरा वाला केक क्या करेगा? इस दूसरे वाले केक से तुम बहुत सारे केक मांग सकती हो। परी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर मीरा परी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से वापस चली जाती है। घर आकर मीरा अपनी माँ को वो सारी बातें बता देती है। सच में अब तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। हाँ माँ क्यों नहीं। ऐसे ही दो दिन बीत गए। आज मीरा का जन्मदिन था। आज मीरा बहुत ज्यादा खुश थी। मीरा के माता पिता जादुई केक की मदद से मीरा को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। उस दिन से मीरा अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगी। मीरा ने अपनी इच्छा पूरी करने वाले जादुई केक से एक बहुत अच्छा सा घर मांगा और उसको एक बहुत बड़ा सा घर मिल गया। और उसके बाद मीरा ने बहुत सारे केक देने वाले जादुई केक से बहुत सारे केक मांगे और अपने माता पिता के लिए एक केक की दुकान खुलवा दी। मीरा के माता पिता दूसरे वाले जादुई केक की मदद से दुकान में बहुत सारे केक लेते थे और उसे बेच दिया करते थे।
अब उनके पास घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। फिर मीरा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, एक पूनम नाम की लड़की कृष्णापुर गांव में रहा करती थी। पूनम का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, वो अकेले ही रहा करती थी। पूनम अपना जीवन गुजारने के लिए अपनी एक समोसे की दुकान चलाया करती थी। पूनम एक अनाथ लड़की थी, वो अपने कमाए हुए पैसों से गांव के कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी, ताकि वो पढ़ लिख कर एक कलेक्टर बन सके। इसी तरह एक दिन पूनम अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। पूनम को देखकर कक्षा की बाकी लड़कियां उसे बहुत चिढ़ाती थी। पूनम के फटे कपड़े और गंदी हालत देखकर वो उसका बहुत मजाक बनाती थी। एक दिन पूनम को जलील करने के लिए क्लास की एक लड़की उससे कहती है, पूनम तू एक गरीब लड़की है और इस कॉलेज की सभी लड़कियां अमीर हैं, तो हमारी बराबरी कैसे कर सकती है, तुझे तो जमीन पर बैठकर ही पढ़ना चाहिए। ये सुनकर पूनम उससे कहती है, अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सही तो कह रही है, तेरे इस मैले कपड़े में से बहुत ही गंदी बदबू आती है, छी। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसके कपड़े इतने मैले हैं और इसमें तरह तरह के दाग भी लगे हुए हैं, और देखो तो कितनी गंदी स्मेल आ रही है, छी। हाँ मैं मानती हूँ मेरे कपड़े फटे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास नए कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं हैं। जो भी पैसे मैं कमाती हूँ वो पैसे मेरे कॉलेज की फीस में लग जाते हैं। सुन अपनी ये बकबक बंद कर, हमें तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है। हम बस ये कह रहे हैं कि तू हमारे बराबर में नहीं बैठ सकती, चल अब जल्दी से नीचे बैठ जा, समझी। कक्षा की बाकी लड़कियों की बातें मानकर पूनम कक्षा में नीचे बैठ जाती है, क्योंकि पूनम पढ़ना चाहती थी इसलिए वो किसी भी तरह से कॉलेज से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, इसलिए वो जमीन पर बैठकर ही पढ़ाई कर लिया करती है। एक दिन पूनम अपनी शॉप पर काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी क्लास की एक लड़की आ जाती है। पूनम मेरे लिए जल्दी से दो प्लेट समोसे पैक कर दे। पूनम उसके लिए स्वादिष्ट और गर्मा गर्म समोसे पैक कर देती है। पैक करने के बाद पूनम उससे कहती है, लो तुम्हारे गर्मा गर्म समोसे पैक हो गए हैं, अब तुम मुझे इसके पैसे दे दो। अरे तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या, पैसे तो मैंने तुझे पहले ही दे दिए हैं, फिर दोबारा पैसे क्यों मांग रही है, लगता है तू मुझे लूटना चाहती है। अरे ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे आते ही मैं तुम्हारे लिए समोसे पैक करने लग गई थी, तुमने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुझे पैसे दे चुकी हूँ, चल अब जल्दी से मुझे मेरे समोसे दे दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा तेरे साथ। नहीं नहीं, समोसे आजकल बहुत महंगे हैं, मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे सकती हूँ। अच्छा तो ये बात है, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद वो लड़की पूनम की खूब पिटाई करने लगती है। पूनम की पिटाई करने के बाद वो अपने समोसे लेकर अपने घर वापस चली जाती है, और जाते जाते वो पूनम की दुकान में आग लगा देती है। अरे बाप रे, दुकान में तो आग लग गई है, कोई तो बचाओ। आसपास के लोग पूनम की दुकान को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु पूनम की पूरी दुकान जल जाती है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो मुझे इस तरह से जीना पड़ रहा है और सभी का अत्याचार सहना पड़ रहा है। अब बहुत हुआ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, मैं ऐसी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं अभी जाकर आत्महत्या कर लूँगी।
ये कहते कहते और रोते रोते पूनम जंगल के रास्ते पर चलने लगती है। पूनम जंगल में पहुँच कर पेड़ के ऊपर एक बड़ी सी रस्सी लटका देती है। दूसरी तरफ पेड़ पर एक परी बैठी होती है जो ये सब कुछ देख रही होती है। अरे नहीं, लगता है ये लड़की आत्महत्या करने जा रही है। लगता है ये अपने जीवन से बहुत परेशान है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। इसके बाद वो परी पूनम के सामने आ जाती है और उसे समझाने लगती है। देखो लड़की, आत्महत्या करना पाप है, और तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? आत्महत्या करना किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। फिर पूनम परी को रोते हुए अपनी पूरी आपबीती बताती है। परी पूनम की सारी बात सुनने के बाद कहती है, बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम आत्महत्या करने जा रही थी। ये तो बहुत बुरी बात है, हमें कभी भी जीवन से हार नहीं माननी चाहिए। जीवन का तो मतलब ही संघर्ष है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है परी जी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ जिस वजह से मेरी क्लास की सभी लड़कियाँ मुझे बहुत चिढ़ाती हैं, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी, मेरी दुकान को जलाकर राख कर दिया जिससे मेरी रोजी रोटी चलती थी और मैं अपनी पढ़ाई करती थी। अब मैं और अत्याचार नहीं सहन कर सकती हूँ। तुम चिंता मत करो पूनम, मैं तुम्हारी कुछ मदद करती हूँ, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म कर देती हूँ। इसके बाद परी अपनी जादुई शक्तियों से पूनम को अपने साथ उड़ाकर एक पहाड़ पर पहुँचा देती है। वहाँ पर कपड़े बनाने का एक बहुत ही सुंदर सा कारखाना था। उस कारखाने में बहुत सारी परियां कपड़े बना रही होती हैं। पूनम, ये एक जादुई कपड़ों का कारखाना है, यहाँ पर सभी परियां कपड़े बनाती हैं। वो परी उन सभी कपड़ों में से एक सुंदर सा सूट पूनम को दे देती है। ये लो पूनम, ये एक जादुई सूट है, आज से ये जादुई सूट तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। उसके बाद पूनम वो जादुई सूट पहन लेती है। पूनम मेरी प्यारी बहन, अब तुम मेरे साथ हो, तुम्हें किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहले हम तुम्हारी क्लास की सभी लड़कियों को मजा चखाते हैं। उसके बाद वो जादुई सूट पूनम को उड़ाकर उसके कॉलेज में ले जाता है। पूनम का इतना सुंदर जादुई सूट देखकर क्लास की सभी लड़कियाँ उससे जलने लगती हैं और पूनम को देखकर हैरान रह जाती हैं कि इतना सुंदर सूट पूनम के पास कहाँ से आया। अरे पूनम, लगता है ये सुंदर सा सूट तुमने कहीं से चुराया है। अरे हाँ पूनम, ये सूट तो मेरा ही है। नहीं तुम ज्यादा बोलो नहीं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा जी, क्या कर लोगी तुम, चोरनी कहीं की? ये सारी बातें जादुई सूट भी सुन लेता है और उन सभी लड़कियों को मजा चखाने के लिए अपने जादू से बहुत सारे मच्छर उन लड़कियों के चारों तरफ प्रकट कर देता है। वो सारे मच्छर उन लड़कियों को खूब काटने लगते हैं। अरे मर गई, अरे मर गई रे, इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए? अरे कोई बचाओ मुझे, ये कितनी जोर जोर से काट रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कोई बचाओ। अगर तुमने आगे से पूनम को परेशान करने की कोशिश भी की तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ। भलाई इसी में है कि तुम सभी पूनम से माफी मांग लो। अरे ये क्या, ये तो बोलने वाला सूट है। हे जादुई सूट, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो, हम आगे से पूनम को कभी परेशान नहीं करेंगे, दया करके तुम हमें इन मच्छरों से बचा लो। फिर वो सभी लड़कियाँ अपने घुटनों के बल बैठकर पूनम से माफी मांगने लगती हैं। हमें माफ कर दो पूनम, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें अपनी गलती पर पछतावा है,
प्लीज हमें माफ कर दो। क्लास की सभी लड़कियों को माफी मांगता देख पूनम को बहुत अच्छा लगता है और पूनम सबको माफ कर देती है। उसके बाद वो जादुई सूट सभी मच्छरों को वहाँ से गायब कर देता है और उस दिन के बाद से कॉलेज की सभी लड़कियाँ पूनम से दोस्ती कर लेती हैं और पूनम के साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को